कहानी की शुरुआत होती है टॉम नाम के एक बेहद होशियार लड़के से, जिसने अपने स्कूल के दिनों में ही मेक्सिकन ऑयल स्पिल जैसी बड़ी मुसीबत का हल निकाल कर दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज के होश उड़ा दिए थे। उसका कॉलेज खत्म होने से पहले ही दुनिया की 8 सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज ने उसे नौकरी और सालाना $4,00,000 की तनख्वाह देने का ऑफर दिया। लेकिन इतने बढ़िया ऑफर्स को ठुकरा कर टॉम ने स्पेन के वाल्टर मोरलैंड नाम के एक आदमी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस काम में उसे अपने तेज तर्रार दिमाग की मदद से एक ऐसी तिजोरी को खोलना था जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी समझा जाता था। असल में इस तिजोरी में ऐसा कुछ था जो वाल्टर हासिल करना चाहता था, मगर पिछले 80 साल से आज तक कोई भी इस अनोखी तिजोरी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद वाल्टर ने टॉम को अपनी टीम से मिलवाया। वाल्टर ने कहा कि उसने कुछ महीने पहले एक ऐसे जहाज को ढूंढ निकाला था जो कई साल पहले समुद्र में डूब गया था। उसमें से एक डब्बा निकला जिसमें बेशुमार खजाने का पता छुपा था, मगर जल्द ही स्पेनिश सरकार को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने वाल्टर की ढूंढी हुई सारी चीजों को जब्त करके एक स्पेनिश बैंक की तिजोरी में बंद कर दिया। खैर, फिर टॉम वाल्टर की बेटी लोरेन से मिला, जो अपने मिशन के लिए कोई भी भेष बदलने में माहिर थी। उसके अलावा उनकी टीम में क्लाउस था, जो कि एक जबरदस्त हैकर था। जेम्स वाल्टर का खास आदमी था, जो पहले एक फौजी हुआ करता था और अब वो एक जबरदस्त फाइटर था। साइमन उनकी टीम के लिए हर जरूरत का सामान लाता था। जब तक उसे पैसे मिले, वो वाल्टर को दुनिया की कोई भी चीज लाकर दे सकता था। खैर, आज टॉम का पहला दिन था और टीम को बैंक का सिस्टम हैक करने में मुश्किल हो रही थी। उन्हें कोड भरने की जरूरत थी, मगर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये कोड क्या हो सकता है। तब टॉम ने आइडिया दिया कि उन्हें बैंक के किसी क्लाइंट से बैंक का ऑटोमेटेड वॉइसमेल बनकर बात करनी चाहिए और इस तरीके से उन्हें वो कोड मिल सकता है। आखिरकार टॉम की तरकीब काम कर गई और उन्हें आसानी से कोड मिल गया। सबने टॉम को शाबाशी दी और टॉम अपने नए घर में पहुंचा। फिर अगले दिन से टॉम बाकी की टीम के साथ बैंक ऑफ स्पेन के नक्शे को समझने लगा। वाल्टर के मुताबिक ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ हजारों की तादाद में सेंसर्स और कैमराज लगे हैं और वहाँ के गार्ड भी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं छोड़ते। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल तो स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर था, जो कि बैंक के ठीक सामने बना हुआ था। जब भी बैंक के सिक्योरिटी अलार्म्स बजेंगे तो हेडक्वार्टर से 500 फौजी एक साथ बैंक में घुसाएंगे। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ पहले स्पेन की काउंटर टेररिज्म फोर्स का कमांडर था। अब वाल्टर की टीम का मुकाबला ऐसी फौज से था जो किसी भी हालत में बैंक की हिफाजत करना जानती थी। इसके अलावा वाल्टर की टीम को उस तिजोरी के अंदर के नक्शे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें एक स्कैन करके ये जानकारी हासिल करनी होगी। इस तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें 2 चाबियों और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। इन्हें हासिल करने के लिए टीम ने बैंक में घुसने का फैसला किया। टॉम और साइमन सफाई कर्मचारी, लॉरेन यहाँ पर बेशकीमती पेंटिंग्स की जांच करके उनकी इंश्योरेंस बेचने आई थी और इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे बनी तिजोरियों में वो 2 चाबियां रखी थी। जब सिक्योरिटी चीफ लोरेन को कमरे में ले जा रहा था तो लोरेन ने उसे अपनी कॉफी पकड़ा दी और इस तरह उन्हें चीफ के फिंगरप्रिंट्स तो मिल गए। इसके बाद वो पहली पेंटिंग के कमरे में पहुंची तो क्लाउज ने बैंक में कैमरा हैक कर लिए। फिर उसने लोरेन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और यही फुटेज 10 गुना धीरे धीरे करके चला दी। इसी दौरान लोरेन ने तिजोरी खोली और वहां रखी चाबी की बनावट कॉपी कर ली, मगर उसी वक्त अचानक वहां बैंक का डायरेक्टर आ गया और इधर कैमरा फिर से चालू होने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे। 20 सेकंड बाद लोरेन को ठीक उसी जगह खड़ा होना था, मगर अब डायरेक्टर बीच में आ गया। तब लोरेन ने दिमाग लगाकर उसे अपनी तस्वीर लेने के लिए पीछे छोड़ दिया और ऐन वक्त पर डायरेक्टर फुटेज से बाहर हो गया। अब लोरेन दूसरी चाबी ढूंढने में लग गई। वहीं दूसरी ओर टॉम को सफाई वाले का भेस बनाकर तिजोरी स्कैन करनी थी। उसके हिसाब से असली तिजोरी इसी मीटिंग रूम के ठीक नीचे थी। टॉम तुरंत टेबल के नीचे छुप गया और उसने अपनी मशीन से स्कैन का काम शुरू किया, मगर तभी अचानक कुछ लोग वहां मीटिंग करने आ गए। अब टॉम टेबल के नीचे फंस चुका था और अचानक उसकी स्कैनिंग मशीन भी खराब हो गई। खैर, कुछ देर छेड़छाड़ के बाद टॉम ने मशीन चालू कर दी और स्कैन पूरा हुआ, मगर उसी पल एक अलार्म एक्टिवेट हो गया और सिक्योरिटी चीफ ने पूरे बैंक को बंद कर दिया। तभी सामने से फौजी बैंक के लिए निकले। इधर लोरेन ने दूसरी चाबी का डुप्लीकेट बनाया ही था कि बैंक का डायरेक्टर उसे लेने आ गया। इस हड़बड़ी में वो असली चाबी को वापस रखना भूल ही गई। आखिरकार टीम ने फैसला किया कि लोरेन ये चाबी टॉम को देगी और टॉम चाबी को वापस तिजोरी में रखेगा। चाबी लेकर टॉम तीसरे माले पर गया और उसने चाबी रख कर तिजोरी बंद कर दी। तभी अचानक उसे पता चला कि एक गार्ड उस कमरे में आ रही है। फिर टॉम दिमाग लगाकर जानबूझकर पकड़ा गया और उसने नाटक किया कि ईयरफोन्स के कारण उसे सिक्योरिटी अलार्म सुनाई नहीं दिए। ये सुनकर गार्ड ने उसे जाने दिया और आखिरकार उनका मिशन पूरा हुआ।
इसके बाद टॉम ने मशीन से मिला हुआ स्कैन निकाल कर देखा तो पता चला कि तिजोरी के नक्शे में ऐसी जगह थी जो ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ पानी भरा हुआ है। असल में तिजोरी एक तराजू पर बनी हुई थी और जैसे ही तिजोरी खुलने पर उसका वजन बदलेगा तो तिजोरी अपने आप बंद हो जाएगी और साथ ही उसमें ढेर सारा पानी भर जाएगा। अब उन्हें समझ आ गया था कि तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें तिजोरी के वजन को बराबर रखना होगा। फिर टॉम दिन रात एक करके वजन बराबर रखने की तरकीब ढूंढने में लग गया। वहीं दूसरी ओर साइमन और जेम्स बैंक के नीचे की जमीन की छानबीन कर रहे थे कि उन्हें टॉम की बात सच होती दिखाई दी। वो तिजोरी वाकई में एक बड़े से तराजू पर बनी हुई थी मगर उसका वजन एकदम जीरो पर टिका हुआ था। इसके अलावा एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। उस अंडरग्राउंड कमरे की दीवारें टाइटेनियम स्टील से बनी हुई थी जो इतना मजबूत था कि उसे ड्रिल करने में 15 दिन लग जाएंगे। अपना मिशन पूरा करने के लिए वॉल्टर की टीम के पास बहुत कम वक्त था और इतने से समय में वो डिब्बा चुरा कर वहाँ से बाहर निकलना सबको नामुमकिन लग रहा था, इसलिए आखिरकार उन्होंने हार मान ली। अब वॉल्टर निराश होकर छत पर गया और उसने देखा कि सड़कों पर फुटबॉल फैंस की भीड़ लगी हुई थी। तभी उसकी नजर बैंक के कैमराज पर गई तो उसे एहसास हुआ कि वर्ल्ड कप फाइनल्स के सभी कैमराज भीड़ की तरफ होंगे और तभी उनके दिमाग की बत्ती जली। फिर उसने अपने साथियों को इसका नमूना पेश किया। फिर उसने ग्लास हटाकर तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क दी और फिर दोबारा ग्लास रखा मगर इस बार वजन नहीं बदला क्योंकि तराजू जम चुका था। टॉम ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह वो तिजोरी के नीचे वाले तराजू को जमा सकते हैं मगर इसके लिए बहुत ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन लगेगी। खैर फिर स्पेन और नीदरलैंड के फुटबॉल मैच वाले दिन उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उनके पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 105 मिनट का समय था। सबसे पहले वो जिप लाइन के जरिए बैंक की छत पर पहुंचे और एक कांच की खिड़की खोलकर नीचे घुस गए। इसके बाद वो 100 मीटर की पाइपिंग वाले रास्ते से तिजोरी वाले कमरे के बाहर पहुंच गए। यहां से वो एक सीढ़ी डालकर आगे बढ़े और आखिरकार वो तिजोरी के सामने थे। फिर क्लाउज ने अपनी हैकिंग का कमाल दिखाया और इधर टीम ने अपनी बनाई हुई 2 चाबियां और फिंगरप्रिंट की मदद से तिजोरी ही खोल दी। वहीं दूसरी ओर साइमन ने जमीन के नीचे बने तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क कर उसे जमाने का काम शुरू किया। जल्द ही इस रिएक्शन की वजह से तिजोरी की जमीन भी जमने लगी। इधर टीम अंदर घुसकर वही डब्बा ढूंढने में जुट गई मगर दूसरी ओर बैंक की सिक्योरिटी टीम को छत की खुली खिड़की के बारे में पता चल गया और वो तेजी से तिजोरी की ओर बढ़ने लगे। इधर वो डब्बा लोरेन के हाथ लग गया मगर इसके बाद जो हुआ उससे सबके होश उड़ गए। असल में जेम्स एक अंडरकवर एजेंट था। अब उसके मन में लालच आ गया इसलिए उसने अपनी टीम को धोखा देकर खुद डिब्बे पर कब्जा करने का फैसला किया। अब लोरेन के पास कोई चारा नहीं था इसीलिए उसे जेम्स को डिब्बा देना पड़ा मगर इससे पहले कि वो यहाँ से बाहर निकल पाते नीचे तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन का असर खत्म हो गया जिससे तिजोरी का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब टॉम लोरेन और जेम्स तिजोरी में कैद हो गए थे और वहाँ तेजी से पानी बढ़ने लगा। जेम्स तो पहले फौजी रह चुका था इसलिए उसे स्विमिंग आती थी और वो डिब्बा लेकर वहाँ से भाग निकला। इधर सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और उसके आदमी हथियारों के साथ तिजोरी की ओर भाग रहे थे। वहीं तिजोरी में इतना पानी भर चुका था कि टॉम और लोरेन की जान खतरे में थी क्योंकि वो कभी भी डूब सकते थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था तो ऐन वक्त पर टॉम के दिमाग की बत्ती जली और उसने साइमन को तराजू पर और भार डालने को कहा ताकि पूरी मशीनरी को लगे कि तिजोरी पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। साइमन ने फटाफट सारे नाइट्रोजन टैंक्स तराजू में रख दिए पर वो भी काफी नहीं थे। आखिरकार उसने अपना रेडियो भी ऊपर रख दिया और इतने से भार से तराजू का वजन बढ़ गया। अचानक सिस्टम के मुताबिक तिजोरी का पानी बाहर निकलने लगा। इधर फौज तिजोरी में घुसकर चोरों को रंगे हाथों पकड़ने ही वाली थी मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए क्योंकि तिजोरी में कोई भी मौजूद नहीं था। असल में टॉम और लोरेन ड्रेन पाइप्स के जरिए भागकर बैंक के ऊपर वाले मालों में पहुंच गए। इधर फौज और गार्ड्स हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए थे कि अचानक लोरेन को याद आया कि जिस कमरे में वो पेंटिंग स्कैन करने गई थी डायरेक्टर उसकी खिड़की हमेशा खुली रखता था। अब वो दोनों बिना समय गवाए खिड़की से नीचे कूद गए जहां हजारों फैंस की भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और भीड़ में खो गए। इधर उनका पीछा करते हुए फौजी भी काफी करीब आ गए और अब वो पकड़े जाने वाले थे। आखिरकार वो खुद को पुलिस के हवाले करने को तैयार हो गए पर उसी पल स्पेन मैच जीत गया और सारे फैंस खुशी से पागल हो गए। इतनी भीड़ में फौजी टॉम और लोरेन का पीछा नहीं कर पाए और आखिरकार वो दोनों बच निकले। फिर कुछ दिन बाद जेम्स ने वो चुराया हुआ डिब्बा अपने बॉस को दिया और जब उन्होंने खजाने का पता निकाला तो उसमें आईफिल टावर की लोकेशन थी। तब उन्हें याद हुआ कि ये सिक्योरिटी लोकेशन नहीं है और वॉल्टर की टीम ने उन्हें चकमा दे दिया था।
आखिर में एक खुलासा होता है कि टॉम और लोरेन ने असली डिब्बा नकली डिब्बे से बदल दिया, जिस वजह से जेम्स ने नकली डिब्बा चुरा लिया। अब वॉल्टर की टीम एक रिजॉर्ट में मजे ले रही थी कि उन्होंने डिब्बे से असली खजाने की लोकेशन ढूंढी। तब उन्हें पता चला कि ये खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में छुपा हुआ है। इसके बाद उनकी टीम एक और नए मिशन के लिए तैयार हो गई। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।